हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीएससी कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर अमरावती यूनिवर्सिटी, जो संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी थी, इसका जो बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, तो उसका जो फर्स्ट ईयर होता है, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आसान हिंदी में आपके लिए लाता रहता हूँ। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो बेझिझक कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे हमेशा रिप्लाई करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला सेमेस्टर है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ता है, सेट थ्योरी वगैरह होती, तो वो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट, अगर आपको प्लेसमेंट अच्छी लेनी है तो। डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम होता है, तो वो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आता है सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो ये भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये सब्जेक्ट आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर, तो देखिए सेकंड सेमेस्टर में जो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सिखाए जाएंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पे भी बहुत सारी जो टाइप्स वगैरह होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, प्रोटोकॉल वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। उसका आता है डाटा कम्युनिकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेम होंगे लगभग, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसका आता है वेब टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे जो आपको HTML, CSS, JavaScript के बारे में सिखाया जाएगा कि वो क्या है, कैसे काम करते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर ग्राफिक, तो ये सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो अगर आप जो है BSc CS कर रहे हो, तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप जो है मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, आप मैं जो आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।